वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्य नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सबका हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री 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 मद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा युग प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया है, उनका प्रश्न है यदि जो हम लोग ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं, क्या ये हरिनाम संकीर्तन मंगल लाभेर सर्वपक्षा सहज श्रेष्ठ उपाय, मतलब जीवन में जो हम मंगल प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में मंगल हो, क्या ये हरिनाम करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ मंगल? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, नाम छड़ा द्वितीय पंथा होते पारे ना। इसका मतलब है अगर जीवन में कहीं हमारी मंगल होएगा तो कैसे मंगल होगा? हरि नाम को छोड़ करके और कोई उपाय नहीं और कुछ मंगल करने का। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं तुम्हारी ये हरि नाम से जो चीज़ नहीं हुआ ये जगत में और कोई चीज़ नहीं जो कर सकता है, क्योंकि इसका नाम है महामंत्र। महामंत्र मतलब क्या होता है? कि जगत में जितना मंत्र है, मंत्र मतलब क्या होता है? जो भगवान को भी जो बसीभूत कर सकता है, जो भगवान को भी बसीभूत कर सकता है। यदि जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग करते हैं, इससे बड़ा मंत्र जगत में कुछ भी नहीं है। हरि नाम से जो नहीं हुआ और कोई चीज है ही नहीं जो कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, इहा जप व्यासवे करिया निर्बंध, इहा है ते सर्व सिद्धि है वे सवाल, सर्वक्षण बोल रही थे विधि नहीं आ। महाप्रभु बोले मैंने तुमको ये हरिनाम दिया है, ये हरिनाम को क्या करो? नित्य नियमित पूर्वक ये हरिनाम को जप करो। इसको करने से क्या होगा? बोले यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवाल, इसी हरिनाम से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तब कहते सर्व सिद्धि मतलब क्या है? बोले सर्व सिद्धि मतलब है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति।
है, इसी हरि नाम से ही तुम्हें प्राप्त होगा, है, और कोई उपाय नहीं। ठीक है ना, इसलिए क्या करना है, हरि नाम को करना है, है? एक दिन भगवान क्या करेंगे, कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है, कहते नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जब कोई भगवान का नाम को लेकर कोई काम करता है, कहते हरि को चिंता रहती है, भगवान को क्या चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। जो हरि नाम है, जो व्यक्ति मेरे नाम को लेकर के पुकार रहे हैं, भैया मेरा नाम का बदनाम नहीं है, अगर मेरे नाम लेकर के अगर कुछ नहीं हुआ तो भक्त लोग क्या बोलेंगे, अरे हमने भगवान का नाम लिया हमारे कुछ भी हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान को ये हर समय में चिंता रहती है। इसलिए द्रौपदी ने जब नाम पुकारी, झट आ गए घनश्याम। कहाँ भगवान थे, द्वारका में, ये हस्तिनापुर में, ये लीला थी हस्तिनापुर में, कहाँ उन्होंने भगवान का नाम लिया, और इतने में भगवान स्वयं प्रकट हो। गजराज ने जब नाम लिया, भगवान कहाँ पर थे, वैकुंठ में थे, वैकुंठ में थे, और ये घटना हो रही थी मरते जगत में। केवल उन्हें नारा, केवल उन्हें दो अक्षर उच्चारण करते ही, अभी उन्होंने याना बोला ही नहीं, और इतने में क्या हुआ, इतने में साक्षात भगवान का चक्र आकर के मगरमच्छ को काट डाले। इसलिए क्योंकि इसे हरि नाम से ही जीवन में सब कुछ हमें प्राप्त होगा। अभी प्रश्न है, अभी हम तो हरि नाम करते हैं, अरे हमें ये चीज क्यों प्राप्त नहीं होता, रास्ता छोड़, रास्ता ना छोड़ दो, थोड़ी सी केवल एक व्यक्ति के लिए रास्ता छोड़ दो, मतलब बारम्बार तुमको बोलना पड़ेगा। इसलिए अभी प्रश्न होता है, हम लोग तो हरि नाम करते हैं पर हमारी क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, कहते जरूप लैल नाम प्रेम उपजये, तहार स्वरूप लक्षण सुना राम राय। जैसे नाम करने से वो भगवत प्रेम होगा, उसका स्वरूप लक्षण सुना, कहते स्वरूप लक्षण क्या है, कहते अपराध सुन्न हैया लह कृष्ण नाम। कहते हरि नाम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपराध से मुक्त होना पड़ेगा, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सर्व परिहरी, जो भोग की कामना, मुक्ति की कामना, सिद्धि की कामना, कभी ये सारे कामना वासना को हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ करके जब हम शुद्ध रूप में हरि नाम ग्रहण करेंगे, कहते हैं एक कृष्ण नामे जब तो पाप हरे, साधीर पापीर साध्य नाही तत्व तो पाप करे। कहते एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है, कहते एक कृष्ण नाम उतना पाप को नष्ट कर सकता है, भैया पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है। कहते केवल नामाभास से, शुद्ध नाम नहीं, केवल नामाभास से क्या होता है, कहते केवल नामाभास से, केवल उसका आभास से ही हमारे श्री अजामिल ने क्या क्या बोला, मरने से पहले जिंदगी भर कितना पाप किया है, लेकिन ठीक मरने से पहले जमदूत जब गले में कालखास को लगा करके खींचते हुए ले जा रहे थे, इतने में दूर से उन्होंने अपना बेटे को देखा, केवल उसने नारायण बोला, केवल नारायण नाम लिया, क्या भगवान का नाम लिया था, भगवान के लिए नहीं लिया था, अपना बेटे के लिए लिया था, है वहाँ उदाहरण देते हैं, वो अपना बेटे के लिए नारायण नाम लिया था, बोले किसी अवस्था में, बोले चित्कार करते हुए, क्यों, उसकी गले में काल फांस को लगा कर खींच करके ले जा रहे थे, बड़ा कष्ट हो रहा था उस समय में, उसने चित्कार करते हुए बोला, अवस्था किया था काटी पेशाब कर रहा था, मल मूत्र को विसर्जन कर रहा था, हैं, मतलब अपवित्र अवस्था में चित्कार करते हुए, अरे भगवान को नहीं अपना बेटे को बुला रहा था, तो इतने में क्या हुआ, विष्णु तो आ गए और काल फांस से मुक्त कर दिया। सारे कहते प्रारब्ध अपराध बीज कूट जितने अनर्थ उसका सबके सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा
उसी समय में भगवान के पास में नहीं चला गया था। उसने ये चीज को देखा कैसे जमदूत और विष्णुदूत में कैसे आर्गुमेंट हो रहा है। विष्णुदूत कहते हैं हम इसको रक्षा करेंगे, और जमदूत क्या कहते हैं इसको हम ले जाएंगे। तो उसको कारण बता रहे थे क्यों तुम लोग उसको रक्षा करने के लिए आए। बोले उसने भगवान का नाम लिया। बोले भगवान का नाम कब लिया? वो तो बेटे को बुला रहा था, बेटे को बुला रहा था। तब विष्णुदूत कहते हैं जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख दिया था उसी समय में ही उसका सारे पाप नष्ट हो गया था। देखो कितना महिमा, बच्चों को भगवान का नाम पर धराना कितना महिमा। जब उसने बच्चा का नाम केवल नारायण रखा था उसी समय में ही सारे पाप नष्ट हो गए थे। लेकिन जो उसने जो बारंबार अपना बेटे को नारायण इधर आजा, नारायण तुम कहाँ हो, ये क्या हो गया? जैसे हम माला में नाम जप करते हैं ना, उसको हो गया नाम जप। लेकिन उसने अंतिम समय जब भगवान को नाम लिया, इसका बड़ा महत्व, सबसे ज्यादा महत्व है, उसने जब अंतिम समय में भगवान को नाम लिया, कहते ना मरणे जामति सागति जम जम व्याप शरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भागभावितम् है। इसलिए अंतिम समय में जो स्मरण होता है वही गति प्राप्त होता है। क्योंकि उसने अंतिम समय पर उन्होंने बेटा का नाम लिया था, भगवान का नाम लिया था, इसलिए उसका क्या हो गया। इसलिए उदाहरण दिया विष्णुदूत, जैसे रूई का एक ढेर हो, उसमें आग की एक चिंडकारी पड़ जाए क्या होगा, जला करके सब राख कर दे। जैसे पेट्रोल हो, अगर आग की एक चिंडकारी पड़ तो क्या होगा, सब जला करके ध्वंस कर देगा। अब गैस में देखो, छोटी से एक गैस है, अगर उसमें अगर आग लग गई तो ये बिल्डिंग उड़ा देगी है। इसलिए कहते हैं अगर आग की चिंगारी में इतना शक्ति है, फिर भगवान का नाम में कितना शक्ति नहीं। इसलिए बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। कहते भगवान का नाम चार ही तरह से कल्याण करता है। कितने तरह से, क्या क्या बोलो। हाँ, इसलिए कहते सांकेत्यम, सांकेत्य मतलब इंगित करके, इशारा करके। जैसे बेटे का नाम हमने गोपाल रख दिया, बारंबार दिन भर गोपाल गोपाल। बेटी का नाम राधा रख दिया, दिन भर राधे 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 बोलते रहते, कहते इससे भी कल्याण हो जाता। परिहास करते करते, हंसी विलय करते करते, कीर्तन माध्यम से हैं परिहास करते हुए किसी तरह से भी भगवान का नाम लिया जाए, उससे अशेष अगहरम विदु। कहते जन्म जन्मांतर का पाप को भगवान का नाम नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। एक समय हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बोल रहे थे मैं सोच रहा था गुरुदेव हमें क्या दिया है, कि मालाएं तो दिया, और क्या दिया, इतना ही तो दिया, मालाएं तो दिया क्या। गुरुदेव कह रहे थे जिस समय गोवर्धन मठ और हमारे नवद्वीप मठ देखे हो, कितने बड़े बड़े मठ। गुरुदेव कहते थे जब मंदिर बन रहा था, गुरुदेव तुलसी वृक्ष के सामने बैठ कर हरिनाम करते थे, इतना बड़ा मंदिर बन रहा था, पैसा तो चाहिए। तो गुरुदेव कहते थे मैं जब हरिनाम करता था मन में कभी कभी चिंता तो होता है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, पैसा कहाँ से आएगी। गुरुदेव बोलते जब मेरे मन में केवल थोड़ी सी इच्छा होती है ना, पता नहीं कहाँ से लोग हैं लाख लाख करोड़ों करोड़ रुपये अपने आप देकर चले जाते थे। इसलिए जैसे अगर हमारी शुद्ध नाम हो ना, शुद्ध नाम हो भैया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। इसलिए नाम क्या है, कहते नाम चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या, जो सोचो वही मिलेगा। ये नाम स्वयं कृष्ण, बल्कि कृष्ण नहीं हरि से बड़ा हरि का नाम चैतन्य। कहते जो हरि नाम है ये साक्षात चेतनता स्वरूप है, ये अचेतन जड़ नहीं, ये साक्षात चेतनता स्वरूप है, ये स्वयं रस विग्रह है।
हरिनाम करते करते कहते श्री माधवेंद्रपुरी है, माधवेंद्रपुरी इनका वृत्ति था अजाचक वृत्ति, इससे कुछ नहीं मांगते थे, अपने आप जो दे दिया उससे ही अपना भोजन करते हुए भजन करते थे। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, जब कोई व्यक्ति कुछ दे दिया खा कर तो भजन किया, जब कुछ दिया नहीं फिर क्या करते, फिर क्या करते थे? कहते कृष्ण नाम रस सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। जब हम शुद्ध नाम करेंगे ना, शुद्ध नाम करते समय क्या होगा, कहते नाम से स्वयं अमृत निकलते, पर तुमको खाने पीने का जरूरत नहीं, खाने पीने का कोई जरूरत नहीं। जब शुद्ध नाम करेंगे, नाम सुधा रस, ये नाम स्वयं अमृत है, हैं? हनुमान भी देखो दिन भर क्या करता है, हरि नाम तो करते हैं, शंकर भी दिन भर क्या करते हैं, पंचम उठे राम नाम गान त्रिपुरारी, माता पार्वती क्या करती है, दिन भर माला ही जप करती है, उनको खाने पीने का कोई जरूरत नहीं, रोसे ही फंसे खाने पीने का कोई जरूरत नहीं, बस दिन भर हरि नाम करो। और हमारी जो गोस्वामी के लिए क्या कहते हैं, कभी चाना कभी वो भी मना, मतलब क्या है, अगर थोड़ी सी कभी चाना मिलेगा ना, चना समझती ही नहीं, क्या बोल रहे चाना, हाँ कभी थोड़ी सी खा लिया कभी वो भी माना, कभी कभी चना भी नहीं कुछ नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे भजन करते थे, एक चूल मठा पीकर, एक चूल मठा में मठा पीकर भजन करते थे। एक दिन एक ब्रजवासी ने देखा बाबा दिन भर तो कुछ लेते ही नहीं, एक चूल मठा लेते हैं, एक काम करता हूँ थोड़ा बड़ा दोना हो ना, कम से कम भर करके एक दोना मठा दे दे कम से कम। एक दिन उन्होंने एक बड़े दोने में उन्होंने मठा लेकर के आए, बोले बाबा मठा लो, बोले ये दोना तुमको कहाँ से मिली, बोले सखी स्थल से, सखी स्थल मतलब होता है चंद्रावली, एक चंद्रावली का और राधा रानी के एंटी पाकी है, हैं? और ये रघुनाथ दास गोस्वामी रहती मंजरी, ये तो राधा जी की पक्ष में रहकर भजन करने वाले, राधा रानी के अनुगत में ये भजन करने वाले, और इनकी भावना क्या रहती है, हर समय हम श्याम सुंदर को हमारे श्री किशोर जी को साथ में मिलन कराएं, इनकी यही भावना रहती है। लेकिन इस सखियाँ चंद्रावली की दल पद्मादि वो क्या चाहते हैं, हम कृष्ण को जोर जबरदस्ती लेकर के हम चंद्रावली से मिला, इसलिए ये जो चंद्रावली है दल है ये मंजरियों का एंटी पार्टी है, विपक्ष का दल है। और उन्होंने क्या बोल दिया, हम कहाँ से वो दोना लाए, सखी स्थल चंद्रावली। इतना सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना क्रोध आया, बोले सखी स्थल से तुमने दोना लाए, जो हमारी राधा जी को ले करके कृष्ण को ले करके और जोर जबरदस्ती चंद्रावली से मिलाते हैं, और हमारी राधा दुखी रहती है, हमारी राधा रानी दुखी रहती है, डंडे लेकर के मारे, मारने के लिए दौड़े तो भागे, लाज बाबा को क्या हो गया है? इसका मतलब है रघुनाथ दास गोस्वामी इतने चूल भर मठा लेकर भजन करते थे, हम कर सकते हैं, हम तीन बार भोजन करते हुए भी कभी भूख लगता है, हैं? तीन बार भोजन करने पर भी हमारी भूख नहीं मिटती है, इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते हैं, फिर ये बताओ कभी चाना कभी वो भी माना, कभी एक चूल मठा पी करके पर दिन भर भजन कैसे करते थे? कहते भजन करते 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 कभी ऐसे स्थिति आती है जब सुबह हरि नाम करते हैं, नाम से स्वयं अमृत निकलता है, और नामामृत को पान करते हुए उसी में ही तृप्त रहते हैं, उनको खाने पीने का कोई जरूरत नहीं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, नाम को छोड़ करके जगत में और कुछ भी रास्ता नहीं है,
और कोई रास्ता नहीं। इसलिए हमें 24 घंटा, इसलिए महाप्रभु बोले हैं कि शयन की भोजन की बा जागरण अहर निश्चिंत कृष्णा बलवदन, उठते सोते बैठते हर समय हरि नाम करनी चाहिए है, हर समय हरि नाम करनी चाहिए हर भगवान का नाम। कहते यह जगते जादर कोन कृत नाई तराई हरि नाम करे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसी जगत में जिसका और कोई काम नहीं है, जगत में और किसका कोई काम नहीं है, क्या होता है वे लोग ही हरि नाम को करते हैं। मतलब क्या है, जगत का जब सारे काम तुम्हारे खत्म हो गए और कोई काम करने का जरूरत नहीं है और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बस कहते वही लोग जिनको दृढ़ विश्वास हो गया इसी हरि नाम से ही हम सब कुछ मिलेगा, हरि नाम से ही सब कुछ इसी से ही मिलेगा है। इसलिए वही लोग ही क्या करते हैं, गोस्वामी लोग, अभी तो मंदिर ही हमारी है, हम ठाकुर को सेवा कर रहे हैं, रोसी बनाते हैं, गोस्वामी लोग क्या करते थे, हरिनाम 24 घंटा हरिनाम करते थे और कुछ नहीं करते थे, 24 घंटा हरिनाम करते थे। इसलिए कोई कोई कहते हैं ना भैया हम लोग तो अपना बीवी बच्चे पत्नी परिवार उससे हम मन को लगा देते हैं, हम उससे मन, बाबा लोग तो कुछ नहीं करते, दिन भर माला ही लेकर के हरे कृष्ण नाम करते, इनका मन कैसे लगता है, इनका इनका मन कैसे लगता है दिन भर केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं, जब शुद्ध हरि नाम करते हैं उनके हृदय में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर 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 दिव्य अपराकृत लीला हृदय में प्रफुल्लित होता है, बस बैठ करके उसी चिंता में ही डूबे रहते हैं। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को अजीर्ण समझते हो, बदहजमी हो गया, जब बदहजमी हो गया तब बुलाया डॉक्टर को, वैद्य आया नाड़ी पकड़े, बोले बाबा थोड़ी सी ज्यादा खीर खा लिया है। बोले खीर जिंदगी में देखा ही नहीं, जैसे एक चुल मठा पी करके दिन भर भजन करते, खीर कभी जिंदगी में खाई नहीं। बोले बाबा को पूछो सही है कि गलत है, बोले बाबा आपने जो ज्यादा खीर खा लिया, बोले हाँ, बोले खीर कहाँ से मिला आपको, आपको तो थोड़ी सी मठा देते हैं उससे भजन करते हो। बोले देखो मैंने मन मन में आज मैंने खीर बनाया था मन मन में और ठाकुर को भोग लगाया, अभी भोग जब ठाकुर जी पाए फिर इसको राधा रानी पाए, राधा रानी पाने के बाद फिर रूपमंजरी ये लोग पाए और खीर बहुत बढ़िया काजू किशमिश बादाम दे करके बड़ी सुंदर खीर बनाता, बढ़िया खीर अच्छा लगा था, मैं जब देता खा लिया, कैसे खा लिया मन मन ऊपर से नहीं खाए, उनने मन मन में खीर खा लिया मन मन में, लेकिन बुखार आ गया और बदन भजन गया पेट। मतलब जब भजन करते हैं ना करते करते ऐसे भगवान की लीला में ऐसे डूब जाते हैं, भगवान की लीला में सुंदर सुंदर लीला में ही जाकर के प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन हमें क्या दिखता है, बाबा लोग बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं, लेकिन हरि नाम करते करते कौन सा लीला में चले गए उनका मुझे क्या पता है। कहते श्रीनिवास आचार्य हैं एक समय 3 दिन से एक जगह पर बैठे, 3 दिन से कोई शरीर में क्रिया नहीं, और उन्होंने अपना शिष्य को बोले थे अगर हमारे शरीर में कोई विक्रिया देखोगे मेरा शिष्य रामचंद्र कविराज को बुला लेना। तो उन्होंने बुलाया, बोले देखो गुरुदेव 3 दिन से बैठे हुए समाधि में, देखो भैया कहाँ गए गुरुदेव। तो उन्होंने भी बैठ गए पास में, बोले मैं देखता हूँ गुरुदेव कहाँ गए, चले गए, कहाँ चले गए, राधा कुंड में। क्या हो रहा था, राधा रानी श्याम सुंदर के साथ में जल विहार कर रहे थे, जल विहार करते करते राधा रानी का जो नाक का जो बेसर है ना हीरे की कहीं खो गया, खो गया तो राधा रानी घर में जाएंगी, जटला कुटला है हैं, सास ननद बोले कहाँ भैया नाक की बेसर कहाँ गई, अभी सखियाँ ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते अभी किसी को नहीं मिल रहा है। अभी रामचंद्र कविराज जा करके जब देखा राधा रानी की नाक की बेसर कहीं हो गई, ये भी जा करके ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते देखा कमल का जो नाड़ है ना उसके जड़ में जा करके लग गया और इन्हीं को मिल गया, बास बड़े प्रसन्न होकर के अपना गुरुजी को दिया, गुरुजी बड़े खुश हुए,
गुरुजी उनको गुरुजी को दिया, उनको गुरुजी को फिर रूपमंजरी को दिया, फिर उन्होंने ललिता को दिया। ललिता खुश हो गई, बोले वाह किसको मिला, बोले ये नई सखी को, भाई उन्होंने राधा रानी के नाक में पहना दिया। राधा रानी बोले भैया किसको मिला, बोले नई सखी, बोले बुला करके लाओ। जब बुला करके लाए, इतने में राधा रानी अपना प्रसाद तांबुल, जो पान की बिड़िया खाती है ना, प्रसाद तांबुल उन्होंने अपना शिष्य को दिया। बस दोनों शिष्य गुरु, जब राधा रानी की तांबुल प्रसाद तांबुल मिले, बोले निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, वो जो उनका दोनों शरीर था ना झट झट गए। फिर शिष्य ने पूछे कहाँ चले गए, तो उनने सारी कथा सुनाई। देखो ऊपर से क्या दिखता है, बैठ करके भजन कर रहे, लेकिन कहाँ चले गए, राधा रानी की लीला में चले जाते हैं, लीला में चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए, क्या हरि नाम करने से ही हमें सब कुछ होगा, इसी से ही। इसलिए हमारे श्रीवास पंडित क्या करते थे, दिन भर बोलो अपना पत्नी बच्चे सबको लेकर के मृदंग मजरा लेकर के बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब दिन भर हरिनाम करते थे, महाप्रभु बोले भैया संसार कहीं चलेगा तुम्हारी, चार चार भाई पत्नियां बच्चे कैसे, तीन ताली बजा दिया, मतलब क्या है। बोले प्रभु आप ही तो गीता में बोले अनन्य चिंतन तमाम जे जनाहा पर उपासते तेसाम नित्याभिजुक्ता नाम योगाख्यम। प्रभु आप ही तो प्रतिज्ञा किए, जो अनन्य रूप में आपका भजन करेगा समुदाय तो आप ही लिए हो, आपका आदेश पालन कर रहा हूं। तो तीन बार ताली क्यों बजाए, बोले एक दिन तुम्हारे नाम को लेकर के देख लेंगे घर में कुछ खाना आता कि नहीं, बोले दूसरे दिन, बोले दूसरे दिन भी देख लूंगा, तीसरी ताली तीसरे दिन, बोले नहीं मिलेगा तो मैं बोलूंगा भगवान गीता में झूठ मूठ बोल दिए, पास गले में पत्थर बांध कर गंगा में डूब मरूंगा। महाप्रभु प्रसन्न हो गए, पीठ पर हाथ थपथपाए, बोले भले ही लक्ष्मी को भी कभी दरवाजा पर उसको भीख मांगने पड़ जाए, लेकिन तेरी घर में कभी किसी चीज की कमी। जब हमारी ऐसे पूर्ण विश्वास हो जाएगा ना, हरि नाम से सब कुछ मिले, सब कुछ हरि नाम से। इसलिए कहते साध्य साधन तत्व जे कुछ सकल हरि नाम संकीर्तन पाई दे सकल। महाप्रभु कह रहे हैं जब उन्होंने देखा हमारे तपन मिश्र, इनके मन में प्रश्न है, क्या प्रश्न है, जीवन में कर्तव्य क्या और हमारे साध्य क्या है, साधन किया और साध्य किया, मतलब है हमें जीवन में करनी क्या चाहिए और जीवन का लक्ष्य क्या है, सबको पूछे। जब कोई नहीं उत्तर दे पाए, रात में एक देवता आकर के बोले कल यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उनको ही पूछो। जब महाप्रभु के पास में गए, अरे महाप्रभु बोले हरिनाम, कलयुग में हरिनाम ही साधन और हरिनाम ही साध्य, बस यही यही साध्य, इससे ही सब कुछ तुमको मिलेगा। हरिनाम करते करते जब महाप्रभु को पूछे तुम सन्यासी हो, सन्यासी का काम है कौपिनी बंत खलु भाग्य बंत वेदांत सूत्रे सुसदा रमंत, ये सन्यासी का काम है कौपिनी धारण करना, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खलुदम ब्रह्म है, ये सन्यासी का काम। तुम दिन भर क्या कर रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी नाच रहे हो, कभी लौट पट क्यों कर रहे हो, हैं क्या कर रहे हो, सबके सब सन्यासी होकर के। महाप्रभु क्या बोले, बोले गुरु मरे मूर्ख देखी कर ले शासन। गुरुदेव बोले बेटा तुम मूर्ख हो, तुम्हारे वेदांत ना ही अधिकार, ये वेदांत वेदांत तुम्हारी बस की बात नहीं है, लो ये हरिनाम, लो ये हरिनाम को करो। अरे गुरु जी का आदेश को पालन करते हुए मैंने जब ये हरिनाम करते 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 एक दिन मेरा बुद्धि एकदम प्रसन्न हो गया, मैं पागल हो गया हरिनाम करते करते। फिर क्या देखा, वृंदावन में बड़ी सुंदर जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, मयूर कोयल के कुक 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 काका कर रहे हैं,
जुई बेली चमेली सुंदर फूल खिले हुए और हमने देखा कदम वृक्ष के नीचे मदन मोहन खड़े हुए और मेरे को बुला रहे, मेरे को देख करके मैं पागल हो गया और उनको पकड़ने के लिए दौड़ा, पकड़ ही लिया, देखा वो है और थोड़ी दूर में फिर बुला रहे, फिर भागे। इसलिए जब जब मैं हरि नाम करता हूँ वृंदावन में मदन मोहन को कदम वृक्ष के नीचे बंसरी बजाते हुए दिखता हूँ, तो भैया यही हरिनाम का फल, यही हरिनाम का यही फल है। इसलिए हमें हर समय क्या करनी चाहिए, उठते बैठते सोते हर समय हमें हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए बोले चैतन्य भागवत में कह रहे हैं, जो व्यक्ति रात्रि दिन खाईते सोईते लय हरिनाम, जो हर समय उठते बैठते खाते सोते हरिनाम करते हैं, बस उसको द्वारा क्या होगा, इसी सही उसको भगवत प्राप्ति है। इसलिए खाईते सोईते जथा तथा नाम लय निकल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। इसलिए जो हर समय हरिनाम करते हैं, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताए अभी नियम है 10 तरह का अपराध छोड़ करके हरिनाम करनी चाहिए, है ना, करनी चाहिए। कहते 9 तरह का जो अपराध है उसको हम छोड़ सकते, कोशिश करें किसी वैष्णव का कभी निंदा नहीं करे, गुरु जी का अपमान नहीं करे, जिसमें हरिनाम की महिमा ग्रंथों को हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, हरिनाम को साथ में और कोई चीज की बराबर नहीं करनी चाहिए, हैं ब्रह्मा शंकर जी को साथ में भगवान को कभी बराबर मत करो। जो 10 तरह का जो नाम अपराध है, नाम की जो महिमा को अति स्तुति मत मानो, कहते अगर 9 तरह का अगर कोशिश करेंगे 9 तरह का अपराध से मुक्त हो सकते, लेकिन एक अपराध है सुनना कठिन है, वो है शरीर के प्रति मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर संबंधी वस्तु सबके सब मेरा, मैं मेरा ते तेरी ये माया, कहते ये चीज को छोड़ना कठिन है। बोले कैसे जाएगा, फिर जाएगा नहीं क्या, बोले एक उपाय है। बोले क्या है, 24 घंटा में 24 घंटा हरिनाम कर, अगर 24 घंटा में 24 घंटा हरिनाम करेंगे फिर तुम्हारी समय नहीं, अपराध अपराध कब होगा, जब समय होगा ना। अगर दिन रात उठते बैठते सोते खाते हर समय अगर हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर 24 घंटा कर रहे फिर कहाँ है। तो वहां पर बताए कि शयन की भोजन किवा जागरण अहर्निश चिंतक कृष्ण बल्लभ बदल, कहते ठीक है हम जब जगे रहेंगे कर लेंगे, पहले सोते समय कैसे करेंगे, कहते सोते समय कैसे करेंगे, सोते समय तो सो जाते हैं, अब देख लेना जिस चीज में संपूर्ण आप डूब जाते हो ना, आप देखना सोते समय भी वही सपना आते, सपने समय भी, हाँ इसलिए सपने में भी वही चीज आपको याद आएगी। इसलिए अगर सब सब भजन करेंगे तो हाँ, इसलिए कहते ना गोस्वामी लोग कहते क्या अष्ट छापन दंड रात्रि दिन ना जाने राधा गोविंद दिन चारि दंड सुते थाके स्वप्ने राधा गोविंद दे, हैं अगर चार दंड अगर सोते उसमें भी क्या देखते राधा कृष्ण की गोविंद का स्वप्न में दर्शन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय, एकमात्र उपाय कहते जो हरि नाम संकीर्तन ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। इसलिए हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। कलियुग में एव शब्द संस्कृत में नियम है, जब किसी वस्तु को आप क्रीड़ा रूप में कहते हो, नहीं यही मतलब हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम ही, और नहीं 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 तीन बार क्यों बोल, एक बार बोल देते, भले हम कलियुग का जीव है ना, एक बार बोलने से नहीं सुनेंगे, एक बार बोलने से हम नहीं सुनेंगे। दूसरा कारण है कहते हैं तीन बार इसलिए बोले, किसी बात को अगर तीन बार बोल दो तो दृढ़ हो जाता है, और एक कारण है, देखो ये कारण को देखो
हम कब से सुनते आ रहे हैं क्या केवल हरि का नाम से ही कल्याण होगा, हरि का नाम से ही होगा, तब भी हम इधर उधर भागते हैं, तब भी हरि का नाम में हमारे विश्वास तीन बार यही तो सुन रहे हैं ना, हरि का नाम से कल्याण, तब भी क्या हमारी रुचि हो रही है हरि नाम में, तभी क्या हम कर पाते हैं हरि नाम, तब भी हमारी रुचि नहीं होती, एक ही चीज बारंबार कह रहे हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, तब भी हरि का नाम में रुचि हो ही नहीं रहे, बस एक ही काम हो जाए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र एतत व्यतीत अध्यक्ष राज्य रे प्रवेश अन्य कोन उपाय नहीं, तथा अगर आप अध्यक्ष अध्यक्ष मतलब क्या, अध मतलब नीचे करना, अक्षज अक्षज मतलब हमारी जड़ ज्ञान, जो भगवान है यदि अबांग मनस गोचर, अबांग मनस गोचर ये वाणी मन से ये अतीत है, हमारी इंद्रियों को जड़ इंद्रियों को जो नीचे करके उसको ऊपर जो विद्यमान है, इसलिए कहते तुम्हारी जो बुद्धि वृत्ति जितना दूर को भाग सकता है उसको भगा लो, भगवान का बाद उसको बाद में भगवान है, उसको बाद में भगवान है, यदि वो अध्यक्ष है जड़ इंद्रिय से वो अतीत है, इसलिए कहते एतद व्यतीत अध्यक्ष राज्य रे प्रवेश रे अन्य कोन उपाय नहीं, अगर वो अध्यक्ष राज्य में भक्ति जगत में अगर कोई प्रवेश करना चाहते हैं चाह तो क्या करो, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम करो, हरि नाम करते 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 चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्पापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामृद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय ते श्री कृष्ण सत्य। ये हरिनाम करते 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 ही क्या होगा, हम सारे ये जड़ इंद्रिय से ऊपर उठ करके बस भगवत लीला अपने आप हृदय में स्फूर्ति व भगवत है तथा भक्ति चीज को समझ सकते, इसलिए हमारे इसमें जैव धर्म में वहां पर जब ब्रजनाथ और विजय कुमार बाबा जी महाराज को प्रश्न करते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न करते हैं, कभी कभी कुछ जगत में ऐसे चीज है आप बोलने पर भी आप समझ नहीं सकते, अगर कोई बोले अरे हम नहीं समझ सकते हैं आप बोलो ना हम समझ जाएंगे, नहीं ऐसे कुछ चीज है वो बोलने पर भी हम जड़ इंद्रिय से वो चीज को समझ नहीं सकते, इसलिए गुरुदेव कभी कभी उदाहरण देते हैं, जैसे मानो 5, 6, 7, 8, 9 साल कोई लड़की है, अगर वो लड़की को अगर तुम समझाओगे भैया ये लड़का लड़की कैसे प्रेम करते हैं, आप बताओ समझ सकती हो, नहीं समझ सकती, उसको बुद्धि से बाहर है, लेकिन वही लड़की जब बड़ी हो जाती है ना, जब बड़ी हो जाती है आप देखना उसको प्रेम को बारे में थोड़ी सी बोलो बहुत कुछ समझेगी, बोलोगे थोड़ी सी किंतु वो समझेगी बहुत कुछ, बोले क्यों, बोले उसको उम्र हो गई, उसकी उम्र हो गई, कहते ठीक उसी तरह भक्ति जगत में ऐसे कुछ बात है गुरु वैष्णव बोलने पर भी वो चीज हम समझ नहीं सकते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर उत्तर देते हैं बाबा जी महाराज एक उपाय है अहरह हरि नाम करो, अहरह मतलब उठते बैठते सोते हर समय चिदानुशीलन करो, चिदानुशीलन करो, बोले चिदानुशीलन में सर्वश्रेष्ठ अनुशीलन क्या है, हरि नाम, हरि नाम हर समय हरि नाम करो, इसलिए हमारे भक्ति वेदन नारायण गोस्वामी महाराज बोल रहे थे, कहते कभी कभी हमारे मन में बहुत प्रश्न आता था, हमने बहुत लोगों को मैंने प्रश्न किया है लेकिन मेरे को सही सही कहीं उत्तर नहीं मिला, सही सही मेरे कहीं उत्तर नहीं मिला, तो गुरुदेव कहते थे लेकिन जब मैंने हरिनाम किया, जब हरिनाम किया वो उत्तर हमें अपने आप मिला, उत्तर हमें अपने आप मिल गया, इसलिए समय की अपेक्षा है, समय की अपेक्षा है, शुद्ध रूप में हमें हरिनाम करने से बड़ी बड़ी चीज जो कभी सोच भी नहीं सकते हो वह चीज हमारी अनुभूति होने लग जाएगी, इसलिए कहते अत्यंत व्यतीत अध्यक्ष राज्य प्रवेश जन्य कोन उपाय नहीं, नाम संकीर्तन ही एकमात्र लक्ष्य एकमात्र उपाय, यहाँ पर कहते हैं
ये हरिनाम संकीर्तन ही तद जीवन का लक्ष्य क्या है, तद जीवन का लक्ष्य क्या, हरिनाम साधन भी हरिनाम और लक्ष्य भी हरिनाम है, लक्ष्य भी हरिनाम। एक हमारे प्रभुपाद ने उपदेश उपाख्यान में एक सुंदर कथा सुना है, हाँ देख कथा सुना, इन्होंने ये कथा सुना है, बोले एक समय कोई एक बूढ़ी माता जी थी, बूढ़ी माता जी थी तो उसका छोटा बच्चा था, एक टीचर उसको उसका ट्यूशन कराया करती, वो बेचारी बूढ़ी माता जी उसको तो इतना पता ही नहीं, लिखी पढ़ी है ही नहीं, वो जाकर देखता था उसको ए बी सी डी 1 2 3 4 5 यही पढ़ा, यही पढ़ा रही। लेकिन जब उसे बच्चा 10 क्लास में गया अभी उसको महीना में 100 रुपया उसको देती है, हैं उसको 100 रुपया देती है, लेकिन जब 10 साल के बाद में जाकर के देखा उसको कॉपी में जाकर के था कि उसमें यही ए बी सी डी 1 3 4 5 यही लिखा हुआ, पुस्तक में यही लिखा हुआ, क्लास 1 में भी यही देखा था, अभी भी वही है। वो बूढ़ी माता को इतना क्रोध आया, बोले तेरे को हम 10 साल से पैसा दे रहा हूँ, पहले यहाँ तुमको देता था 10 रुपया महीना, अभी महीना में 100 रुपया देता हूँ, मेरा बेटा 10 क्लास में आ गया, अभी मैं देखता हूँ वहां पर भी यही 1 2 3 4 ए बी सी डी यही लिखा हुआ, लगता है तेरे को पढ़ाना आता ही नहीं, तो टीचर उनका जो भाग यहाँ से उसको वहां से भगा दिया। तब प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं देखो ये चीज समझो, हम जब क्लास 1 में पढ़े उस समय भी यही ए बी सी डी 1 2 3 अभी क्या वो अक्षर क्या और कोई अक्षर है वहां पर, वहां पर भी ए बी सी डी 1 2 3 लेकिन होने पर भी वही क्लास, लेकिन जब 10 क्लास में जाते हैं फिर क्या होता है वही रहता है ए बी सी डी रहता है वही 1 2 लेकिन उसमें जो पढ़ाई ऊंचा क्लास की पढ़ाई होती लेकिन अक्षर रहेगा वही। प्रभुपाद कहते उसी तरह अभी जैसे हरिनाम कर रहे हैं अभी भी ठाकुर को सेवा करते हो लेकिन जब गोलोक वृंदावन जाओगे ना वही था और कोई ज्यादा नहीं, वहां पर भी सख्या क्या करती है अगर किसी सखी को किसी मंजरी को अगर एक सेवा मिल जाए क्या सेवा, रोज तुम उस पर चयन करके लाना, किसी सखी को मिल जाती है राधा कृष्ण के लिए सुंदर माला बनाना, किसको मिल जाती है ठाकुर जी के लिए रोसे बनाना, किसको मिल जाते हैं उनकी कुंजों को साफ करना, अगर वहां पर किसको एक सेवा मिल जाए ना अपने आप को धन्य मान के अहो भाग्य हमें राधा कृष्ण के लिए माला बनाने का सेवा मिला, उनके लिए रोसई बनाने की सेवा है, उनके लिए पूज एक सेवा, अगर किसको चंदन घिसने का सेवा मिल जाए ना अहो भाग्य समस्त ठाकुर की चंदन। देखो ध्यान देकर के कहते ये जो स्थान है ना कहते ये ट्रेनिंग सेंटर है, अब जितने बढ़िया ट्रेनिंग लोगे ना नौकरी तुमको बहुत बढ़िया मिलेगी, उधर भी बढ़िया नौकरी मिलेगी, हाँ इसलिए जगत जो ट्रेनिंग सेंटर और यहाँ पर जो जितना ठाकुर को जो बढ़िया सेवा करते हो ना जब वहाँ जाओगे ना तुमको वही सेवा मिलेगी, वही राधा रानी की सेवा मिलेगी, उसको चयन करके रोसई करने की और माला बनाने की वही सेवा तुमको मिलेगी। लेकिन यहाँ जो सेवा कर रहे हैं वहां पर वही सेवा है लेकिन अभी हमारी सेवा में रुचि नहीं, कोई सेवा हम कष्ट लगता है, एक माला बनाते बनाते इतना समय चला गया है, रसोई बनाते बनाते हमारी इतना, लेकिन वहां पर वही, लेकिन जब वहां पर सेवा मिलेगा ना उसमें हमारी कोई अलसता नहीं आएगी, वहां पर कोई अलसता नहीं आएगी। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडव निवित वितनुते तुंडावली लब्धे करना क्रड़ो कड़म निघटे करना बुधेव स्त्रिया चेत प्रांगण संग निरचयते सर्वेन्द्रिया नाम कृति नौ जाने जनित किम अद्भुत कृष्ण तिवंत। यदि कृष्ण ये जो दो अक्षर में भगवान कितने रस भर दिया, जब जीवा में उदय होता है जीवा ऐसे तिरकने लग जाती है, बोले भैया ब्रह्मा जी एक जीवा क्यों दिया, तुंडे तांडव निवित वितनुते तुंडा बलि लब्धे अबलि अबलि अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिया, दो ही कान क्यों दे दिया, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिया दिया कृष्ण कथा सुनने के लिए। लेकिन अभी ऐसे लगता है थोड़ी समय माला करते नहीं दिया जाती है, हाँ अलस अभी तो माला खत्म नहीं हो रहा है, रोटी ठंडा होती जा रही है,
ठंडा होते रोटी ठंडा हो जा रहे। लेकिन इसलिए कहते हैं देखो अभी भी वही हरिनाम, जब वहां जाएंगे वही हरिनाम करेंगे, है यहाँ भी जो सेवा कर रहे हैं वहां भी सेवा, लेकिन अभी यहाँ पर हमें रुचि नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम वहां जाएंगे ना वही सेवा बस, वहां पर इतने आनंद लगेगा ना, हम सोचेंगे ठाकुर जी हमें एक ही शरीर क्यों दिया, अगर हजार शरीर देते तो हम हजार शरीर से ठाकुर का हम सेवा करते, एक ही शरीर क्यों दिया, एक जीवा क्यों दे दिया हमें, हैं उस समय ये आनंद आएगी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं लख्य एकमात्र उपाय, नाम संकीर्तन व्यतीत द्वितीय उपाय नाई, और नाम संकीर्तन जे प्रेम लाभ है एतद व्यतीत अन्य कोन परम लक्ष्य नाई, ऐ जने शास्त्र बोलचे हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गत्यरन्यथा, अन्य कोन उपाय नाई, तीन बार निश्चित करा होइ छे कलौ तो नाम मात्र न पूज्येत भगवान हरि। इसे कलयुग में हरि को पूजा करने का उपाय क्या है, हरि नाम संकीर्तन, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, उठते बैठते सोते हाथ में सेवा करो और मुंह में हरि का बस, इससे ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो श्री हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, गुरुदेव की निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। वृंदावन काशी वैष्णवेर गावन व्रत विबंधन करी सवार चरण मिला चलवासी जात महाप्रभु गुमते परिया बंद सवार
जगते दुर्लभ सना पूर्ण अचिरा Thank you.